आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, साथ ही प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी भोपाल की नरेला सीट से भाजपा विधायक एवं प्रत्याशी विश्वास सारंग ने क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में समर्थन की अपील की। इस बीच हमारे संवाददाता रामानंद तिवारी ने विश्वास सारंग से चर्चा की, जहाँ प्रत्याशी विश्वास सारंग ने कहा कि क्षेत्र की जनता उन्हें स्नेह दे रही है, इस चुनाव में जनता भारी मतों से विजय बनाएगी। एक दिन भारत की टीम आज पहुंची है नरेला विधानसभा में। नरेला विधानसभा में विश्वास सारंग ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये पूर्व में भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। हालांकि इनको राजनीति का खाका कागज विरासत में मिला है। इनके पिताजी भी संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं। विश्वास सारंग धुआंधार और मन लगाकर जनसंपर्क में है, काफी सोच विचार की मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। इनका वजन भी कुछ कम हो चुका है पहले से, ऐसा महसूस हो रहा है। आइए अपन इनसे जानते हैं कि विश्वास जी का कितने मतों से और जनता के बीच में किन किन मुद्दों लेके जा रहे हैं, मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि इस उत्साह का परिणाम तो अपने को चुनाव के रिजल्ट और मतदान के बाद ही देखने को मिलेगा। नरेला विधानसभा में उसके प्रत्याशी विश्वास सारंग जी से अपन जानते हैं कि ये किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। विश्वास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका चुनाव प्रचार में मुझे ऐसा लग रहा है वजन घट गया है, काफी मेहनत कर रहे हैं। पहले से ही मैंने वजन कम किया, डाइटिंग कर रहा हूँ। सड़कें नहीं थी, ये सब सड़क नाली पानी बिजली हर जगह विकास किया, पूछिए विकास हुआ। अच्छा, आपके आपके दांत में ऐसा क्या जादू है कि जो आप पर जनता बराबर विश्वास कर रही है, हर बार कर रही है, इस बार निश्चित कृपा है, इस बार निश्चित है कि हर बार से ज्यादा मतों से आप विजय प्राप्त? निश्चित रूप से। ठीक है, थैंक यू। विश्वास जी का स्वागत और उत्साह काफी जनता के बीच में काफी उत्साह है। इनको देखते हुए विश्वास जी का ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से इस बार विजय प्राप्त करेंगे। वो चीज अलग है कि जनता में उत्साह है। कांग्रेस दूसरा दल भी बराबर मेहनत कर रहा है, उत्साह कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। अब विश्वास सारंग की लड़ाई लंबी है, चूंकि सत्ता में काबिज सरकार होगी कि नहीं होगी, चूंकि इतने सारे एग्जैक्ट पोल चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत किस हद तक मिलेगा, कांग्रेस को किस हद तक मिलेगा। ग्वालियर अंचल को देखा जाए तो कांग्रेस की कुछ बढ़त जो भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं उनमें दिखाया जा रहा है। आप देखते हैं कि विश्वास को तो अपनी जीत को लेकर काफी विश्वास है। गौरव के साथ रामानंद तिवारी, एशियन भारत के लिए।